दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक आयरिश राइटर जेम्स जॉयस की एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे, अरेबी। दोस्तों इस शॉर्ट स्टोरी को 1904 से 1906 के बीच में जेम्स जॉयस ने लिखा था और 1914 में इसको पब्लिश करवाया गया था। फर्स्ट पर्सन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं आपको बता दूँ, इस वर्क को क्रिटिक्स ने इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना है। ये एक शॉर्ट फिक्शन है दोस्तों, और इस टाइप का वर्क उन सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए जो टीन एज में है, उन सभी को पढ़ना चाहिए, खासकर के लड़कों को। आगे जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के बीच में, डबलिन आयरलैंड में रिचमंड स्ट्रीट, एक ऐसी गली जिसमें बहुत सारे ब्राउन हाउसेस थे और एक क्रिश्चियन ब्रदर स्कूल। ये एक कैथोलिक स्कूल था बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए। ये गली एकदम शांत है तब तक जब तक ये स्कूल छूटता नहीं है। ये स्कूल छूटता है तो गलियों में लड़के ऐसे खेलने आ जाते हैं जैसे खेलने को मिला ही नहीं, और ये डिनर के टाइम तक, अपने डिनर के टाइम तक खेलते रहते हैं इस गली में। इस गली के एंड पर एक खाली सा घर है, सबसे हटा हुआ एक स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड। ये घर है हमारी कहानी के नरेटर का एक लड़का। ये भी इन्हीं लड़कों में से एक है जो स्कूल में पढ़ते हैं, गलियों में खेलते हैं, वही हमारी कहानी का नरेटर है। इसकी एज अभी इतनी नहीं है, बच्चा ही है। इनके घर में पहले एक प्रीस्ट किराए पर रहता था, उसकी डेथ हो गई पीछे वाले ड्राइंग रूम में, और जाता जाता वो अपना सामान छोड़ गया बहुत सारा। तो नरेटर, उस जो कि अभी एक लड़का है, टीनेजर है, वो उस प्रीस्ट के सामान को छेड़ता रहता है, उसकी बुक्स के पेजेस को, और पीछे वाले गार्डन में एप्पल ट्री के पास में उस प्रीस्ट की जंग खाई हुई एक बाइसिकल है, एक साइकिल है, उसे छेड़ता रहता है, और भी काफ़ी सारे सामान को छेड़ता रहता है। अब इसे लगता था कि वो प्रीस्ट कोई चैरिटी करने वाला आदमी था, क्योंकि वो अपने पीछे कोई खास पैसा छोड़कर नहीं गया। जाता जाता अपना फर्नीचर अपनी सिस्टर को दे गया मरने से पहले। खैर ये तो अलग बात हो गई। अब लड़के उस गली में यूजुअली डिनर के टाइम पर मिलते थे, इवन सर्दियों में भी वो डार्कनेस हो जाती थी और खेलते रहते थे। वो दूसरी गलियों में भागते और वापस लौटकर उसी गली में आ जाते। वो हाइड एंड सीक खेलते थे, जिसको लुका छुपी बोलते हैं या छुपन छुपाई बोलते हैं। वो घरों के बेसमेंट तक पहुंच जाते थे और अपने सामने देखते जब अंकल आ रहे हैं तो वो उनसे बचने के लिए शैडोज़, परछाइयों में छुप जाते थे। अब उन लड़कों में से एक लड़का था मैंगन नाम का, उसकी सिस्टर उसको बुलाने आती थी कि आकर चाय पी लो। वो लड़का नरेटर का दोस्त था, मतलब ये जो लड़का है हमारी कहानी का नैरेटर, उसका दोस्त था। वो अपनी बहन को जब बुलाने आती थी वो चिढ़ाता था, लेकिन ये लड़का नैरेटर उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को नोटिस करता था, कि जैसे वो जिस टाइप की ड्रेस पहनती थी, उसके बालों का सॉफ्ट रूप, ये सब चीज़ें वो नोटिस करता था। और रोज़ सुबह उठकर वो उसके दरवाजे को देखता था, एक छेद में से, एक दरार टाइप की उसमें से देखता था। स्कूल जाने के टाइम पर वो वेट करता था कि कब वो अपने घर से बाहर निकलेगी, फिर उसके निकलते ही ये पीछे से निकलेगा और पीछे पीछे उसके पीछे पीछे स्कूल जाने के लिए चलेगा। और इसका ये रोज का काम बन गया था, ये उसके पीछे पीछे जाता। फिर जब इन दोनों के रास्ते अलग होने का टाइम आता तो ये अपनी स्पीड को बढ़ा लेता, चलने की स्पीड को बढ़ा लेता, और उसके सामने से पास होकर जाता ताकि ये भी उसका फेस देख ले और वो भी इसका फेस देख ले। अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा था, कहने का मतलब उस लड़की पर इसका क्रश हो गया था, और वो उम्र में भी इससे बड़ी थी। और मैं आपको बता दूं, इस लड़के की भी इतनी उम्र नहीं थी ये सब करने की। इसका मतलब ये है कि इसके हार्मोन्स अभी डेवलप होना शुरू हुए थे, इसको अभी कोई अपना नया नया अट्रैक्शन मिला था, खास करके किसी लड़की की तरफ अभी अभी इसका नया नया अट्रैक्शन जागा था, और उस लड़की से बात करने की इसकी हिम्मत नहीं थी। ये उसका पीछा करता था यूजुअली और अपनी स्पीड को बढ़ा लेता था हमेशा उस लड़की की अटेंशन लेने के लिए। अब आमतौर पर हर लड़के की ज़िंदगी में ऐसा कभी ना कभी मोमेंट आता है, ख़ास करके इसी एज में जाकर, जो वो ऐसी हरकतें करता है। अब ये लड़का अपनी फैंटेसी में जीने लगा था, लगातार वो मैंगन की सिस्टर के बारे में सोचने लगा था, और जब अपनी आंट के साथ ये डबलिन के गंदे संदे मार्केट में भी जाता था तब भी उसके बारे में सोचता रहता था। मार्केट में आवाज़ें लग रही थी, कभी कभी इसके अंदर फुल ऑफ इमोशंस आ जाते थे और बिना किसी वजह ये रोने लगता था। अब इतना सब होने के बावजूद इसके मन में कभी नहीं आया कि हिम्मत करके उस लड़की से बात करें। ये अपनी फैंटेसीज में खोया रहता था। मैंगन की सिस्टर इसके दिमाग का हिस्सा बन गई थी,
इसके इमोशंस स्ट्रांग होते जा रहे थे उस लड़की को लेकर, वो हर वक्त इसके दिमाग में चलती रहती थी। अब एक दिन रात का टाइम था, बारिश पड़ रही थी, ये पीछे वाले ड्राइंग रूम में गया और जाकर वो ड्राइंग रूम जिसमें उस प्रीस्ट की डेथ हुई थी, वहाँ जाकर इसने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने दिया। मतलब इसके इमोशंस बहुत बढ़ गए थे, इसने अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ लिया और प्रेस करने लगा, दबाने लगा जोर से अपनी हथेलियों को और प्रेयर करने लगा, ओ लव बोलकर। कमरे में एकदम डार्कनेस थी, तो इसने अपनी फीलिंग्स को एक नाम दे दिया था। अब एक दिन मैंगन की सिस्टर से इसकी बात होती है, वो इससे बात करती है, वो बस इससे एक चीज़ पूछने के लिए इससे बात करती है कि तुम क्या अरेबी के बाज़ार में जा रहे हो, क्या वहाँ जाने का तुम्हारा कोई प्लान है? ये लड़का एकदम चुप, ये जानता भी नहीं था कि इसने क्या बोला, उस लड़की को हाँ कहा या नहीं कहा, ये बस इवेंट्स को रिकाउंट कर रहा था कि कैसे इससे उसकी बात शुरू हुई और अचानक उस लड़की से इसकी बात हो गई। अब इसने उसको हाँ बोला या नहीं अचानक से कुछ पता नहीं, तो वो इससे बोलती है कि सॉरी मैं तुम्हारे साथ उस बाज़ार में नहीं आ रही हूँ, कोई काम की वजह से मैं नहीं आ पाऊँगी। इसे लगा कि ये भी अरेबी के मार्केट में उसके साथ में जाएगी, तो जब उस लड़की ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो इसको ऐसा लगा जैसे इसने उस लड़की को इम्प्रेस करने की अपॉर्चुनिटी खो दी। ठीक है, लेकिन फिर भी ये उस लड़की से प्रॉमिस करता है कि मैं वहाँ से आता आता तुम्हारे लिए उस बाज़ार से कोई गिफ्ट लाऊँगा। अब इसका कोई प्लान भी नहीं था वहाँ जाने का, फिर भी ये बोलता है कि गिफ्ट लाऊँगा। जब इनकी ये कन्वर्सेशन हो रही थी, उस वक्त दूसरी तरफ कुछ लड़के टोपी के लिए, कैप के लिए लड़ रहे थे, इसने नोटिस कर लिया, और इसने नोटिस किया कि उस लड़की के गले पर, बालों पर लाइट पड़ रही थी, हाथ पर, गले पर, बालों पर, और उसका पेटीकोट का वाइट कलर का हेम उसकी ड्रेस से बाहर निकल रहा था। इतना कुछ उसने नोटिस कर लिया छोटी सी बातचीत में। अभी तक तो वो उस लड़की के बारे में सोच रहा था, अब वो अरेबी के बाज़ार के बारे में भी सोचने लगा कि ये इस बाज़ार में होता क्या होगा, ये अरेबी बाहर का नाम लग रहा है। वो अपनी आंट से पूछता है कि क्या मैं उस बाज़ार में जाऊँ, तो वो उसे पहले तो देखती है, फिर पूछती है कि क्या बात है, तो बोलता है कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अब ये अपनी पढ़ाई पर, स्कूल फ्रेंड्स पर ध्यान नहीं देता था, खुद को अपने स्कूल फ्रेंड्स से सुपीरियर मानने लगा था। मतलब अभी इसकी एज हो रही थी, ये अपने फ्रेंड्स से खुद को अलग मानने लगा था कि ये किस तरह से खेलते रहते हैं गंदे संदे, ये खुद भी तो खेलता था कभी उनके साथ में। अब सैटरडे की सुबह ये अपने अंकल से पूछता है कि अरेबी के मार्केट में जाना है, तो वहाँ से अब ये अपने घर से ख़राब मूड में स्कूल के लिए निकल आया, ये सोचकर कि शायद वो नहीं जा पाएगा। डिनर के टाइम पर जब ये वापस आया अपने घर पर, तो इसके अंकल अभी तक घर पे नहीं आए थे, वो वादा तो कर दिया था उन्होंने जाने के लिए, पर ऊपर जाकर ये मैंगन की सिस्टर के घर की तरफ देखता है, कुछ लड़के गली में खेल रहे थे, फिर ये नीचे आता है अंकल का, वेट करता है आने का। फिर इसके अंकल आते हैं, उस वक्त शायद उन्होंने थोड़ी शराब भी पी रखी थी, तो इसने पूछा अपने अंकल से मार्केट जाना है, तो अंकल तो पूरी तरह से भूल गए थे। इसके अंकल बोलते हैं नाउ इट्स टू लेट, कभी और चलेंगे। तो इसकी आंट अंकल को समझाती है कि जाने दो इसका, अगर इतना मन है तो इसको जाने दो, तो अंकल फाइनली मान जाते हैं। अब ये लड़का ट्रेन में चढ़ता है, थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठ कर 10:10 पहले ये मार्केट में पहुँच जाता है। मार्केट लगभग बंद ही होने वाला था, पैसे भी इसके पास कम थे ये मार्केट में कोई चीज़ खरीद सके, तो काफ़ी सारी दुकानें देखनी पड़ेगी। जैसे तैसे करके ये मार्केट के अंदर गया, बहुत सारी स्टॉल्स बंद हो चुकी थी, बाकी बची स्टॉल्स पर ये गया, कुछ टी शर्ट्स बेच रहे थे और कुछ और बेच रहे थे। तभी इसकी नज़र पड़ती है एक फीमेल शॉपकीपर पर, जो इंग्लिश में अपने कस्टमर से बात कर रही थी। वो इस लड़के से भी पूछती है कि तुम्हें कुछ चाहिए, तो ये बोलता है नो थैंक यू। अब तभी एक आवाज़ आती है सारी लाइट्स के बंद होने की, इसकी आंखों के सामने मार्केट में सारी लाइट्स बंद हो गई, मार्केट बंद हो गया, पूरा का पूरा क्लोज हो गया मार्केट, और ये डार्कनेस में अकेला खड़ा हुआ सोच रहा था कि क्या बेवकूफ़ी कर रहा था, वो बेवकूफ़ी में कैसे ब्लाइंड हो गया था। इसकी आंखों में अपने लिए दर्द भी था, गुस्सा भी था खुद के लिए, कहने का मतलब उसकी जो फीलिंग्स थी उसे उस डार्कनेस में खड़े खड़े समझ में आई। वो जो वो फीलिंग्स समझ रहा था लव वाली फीलिंग्स नहीं थी, बल्कि वो उसकी डिज़ायर्स थे, और ये मार्केट भी कोई स्पेशल एग्जॉटिक जगह नहीं थी,
उसकी बेवकूफ़ी उसे मोटिवेट कर रही थी ये सब करने के लिए। अभी तक जो कुछ भी वो सोच रहा था सब कुछ बेकार था, ये उसको रियलाइज़ हुआ। ये थी स्टोरी दोस्तों। सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट ग्रोइंग अप, ये मेन थीम है इसकी, कमिंग ऑफ एज, लव और सेक्सुअलिटी, जो उसे उस लड़की की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन हो गया था उस बारे में। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।